एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ अनबॉक्सिंग का वीडियो लेकर। तो मैंने फ्लिपकार्ट से की है अपने लिए शॉपिंग, अपने लिए नहीं मतलब अपने किचन के लिए मैंने कुछ मंगाया है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पैक हुआ है, मतलब पैक होकर मुझे रिसीव हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सीजर भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ऐसे ओपन करने में ना मज़ा नहीं आता है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगाए हैं मेटा प्राइम ग्रिल सैंडविच मेकर। तो मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं थे, बाकी मैंने सब कुछ रखे हैं अपने किचन में, बट इसकी मेरे पास कमी थी। काफी टाइम से मैं सोच रही थी, बट लग रहा था कि चलो कोई नहीं, तबे पे मैं बना ले रही हूँ सैंडविच। पर फाइनली मेरे पतिदेव इसको ऑर्डर कर दिए क्योंकि मैं काफी टाइम से इसे देख करके छोड़ दे रही थी। तो अभी अच्छे खासे ना ऑफर चल रहे थे, तो उसी ऑफर का मैंने मजा लिया है। बाहर से तो काफी अच्छा लग रहा है, तो चलिए इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। मतलब पैकेजिंग सच में काफी अच्छी है, नो डाउट। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा मुझे पसंद आई है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो इसकी जो तार की हाइट है वो काफी ज्यादा लंबी है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। ओपन करने के बाद पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से ओपन नहीं होगा जब तक आप इसके लॉक को अनलॉक ना करेंगे। देख सकते हो इस तरह से ये अनलॉक हो जाता है और इस तरह से अनलॉक हो जाता है। उसके बाद जैसे हम अनलॉक करेंगे ना, तो ये इस तरह से कुछ ओपन होता है। और ये इसका जो प्लेट्स है ना, ये नॉन स्टिकी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी खास बात है। और ये ऑटोमेटेड ना टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मतलब आप ज़्यादा जो भी अगर मतलब कहते हैं ना ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटेड इसको कंट्रोल करेगा और आपको ये सैंडविच को बिल्कुल भी जलने नहीं देगा। जैसे तवे पे कैसे अगर ब्रेड वगैरह सेकते हैं ना, तो एक तो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है और अगर कभी हम उसके हीट को ज्यादा कर देते हैं तो देखते हैं ना हमारा सैंडविच जल जाता है, तो प्रॉब्लम तो उसमें भी होता है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये ऑटोमेटेड कंट्रोल करेगा आपका जो टाइम है उसको सेव करेगा। और मतलब कहते हैं ना कुछ ही सेकेंड में आपके जो सैंडविच है वो इजिली बन करके रेडी हो जाएंगे और कम मेहनत में हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद पड़ा और इसकी जो वारंटी है वो मुझे 2 ईयर्स की मिल रही है। होप सो कि बनने के बाद जब मैं इसको यूज करूँ ना तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब लॉन्ग टाइम तक चले। पे आप देख सकते हैं जिसका जो सैंडविच मेकर का जो हैंडल है वो है कूल टच हैंडल फॉर सेफ्टी, मतलब वो हीट नहीं होता है, आप उसको ईजिली मतलब टच कर सकते हो। और हैंडल लॉकिंग क्लिप जो मैंने आपको दिखाया है कि इसको ओपन एंड क्लोज कैसे करना है, और नॉन स्टिकी ग्रिल प्लेट से वो सब मैंने बता दी। जो छोटे छोटे से डिटेल्स इस पे थे वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसकी जो प्राइस है वो है 2790 और ये 700 वाट का है, और बाकी सारा डिटेल इस पे मेंशन है। और इसका जो परचेज लिंक होगा ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी तो हम किसी प्रोडक्ट को जब तक कुछ टाइम यूज नहीं करेंगे ना तब तक हमें पता नहीं चलता है कि उसका मतलब वो कैसा है। जो मैंने ओपन किया वो रिव्यू मैंने जो इस पर देखे वो आप लोगों को दिए हैं। अगर आप इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना तो प्लीज आपका एक्सपीरियंस ये बोरोसिल सैंडविच मेकर के साथ कैसा है वो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना। आपके कमेंट्स के थ्रू ही मैं जान लूंगी कि मतलब ये कैसा है, ठीक है। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो परचेज लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेकआउट कीजिए और देन परचेज कर लीजिए, ठीक। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको अच्छे खासे ऑफर में ये मिल जाएगा। चलिए आपको बना करके भी मैं यहाँ दिखा देती हूँ। काफी ज्यादा धुआं हो रहा था, जैसे ही फिर मैंने इसमें डाले कुछ सेकंड में ही सैंडविच मेरा बन गया था। बटर डाल के मैं ग्रिल करने रखी थी और देख सकते हो बहुत हीट नहीं है, मैं इजिली इसे टच कर पा रही हूँ और मतलब काफ़ी अच्छा बना था। तो थोड़ा क्रंचीनेस भी मैं आपको सुना देती हूँ, मुझे ये सैंडविच मेकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।